हेलो मित्रों, जय माता दे। मित्रों, आज 8 मई शुक्रवार का दिन है। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आपको बताएंगे आपके व्यापार करियर उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों, आज के दिन वे कौन से क्षेत्र हैं, कौन सी दिशा हैं, कौन से कार्य हैं जिनको अगर आप आज के दिन करते हैं या उस दिशा में जाने का प्रयास करते हैं तो आपको अपने समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में और अपने घर परिवार में एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में जाने और विशिष्ट व्यक्ति के रूप में आपको स्थापित करने के बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। आज के दिन आपके आर्थिक स्थितियों को किस प्रकार आप सुधार सकोगे, धन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं से आपको कब तक छुटकारा मिल सकते हैं आपको बताएंगे। आपका लकी कलर, लकी नंबर कौन सा रहने वाला है, क्या कहते हैं आपके सितारे आपको बताएंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज व्यापार करियर और लव लाइफ कैसा रहने वाला है आज के दिन आपको बताएंगे। सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपका बेहतरीन और काफी लाभकारी साबित होने वाला है। आज के दिन आपको अपने गुप्त शत्रुओं द्वारा बनाई गई कुछ छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन आपको व्यापार में, करियर में व्यवसायियों को लाभ के बेहतरीन मौके मिलेंगे। आज के दिन अविवाहित युवकों के जीवन में प्रेम का प्रवेश होंगे। आज संतान पक्ष के संदर्भ में आपको कुछ अच्छे खुशखबरी मिल सकते हैं जिनकी वजह से आपका मन प्रसन्न रहेगा। मित्रों, आज के दिन आपके कार्य सही समय पर समाप्त होंगे और आपको सफलता भी अवश्य दिलाएंगे। आज के दिन व्यवसायिक संदर्भ में आप कुछ नए परिवर्तन कर सकते हैं जो कि आपके व्यापार को एक नई ऊंचाई तक ले जाने में आपकी सहायता कर सकता है। मित्रों, मीन राशि वाले व्यवसायियों को नए रुझान और नए रास्ते मिलेंगे जो उनके आर्थिक वृद्धि में सहायक होंगे। आज आपकी वित्तीय स्थितियां बहुत मजबूत होंगे और आपको धन संबंधित मामलों में सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। आपकी बचत आपके परिवार के लिए लाभकारी साबित होंगे। आप अपने परिवार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकोगे और उन्हें विभिन्न मामलों में आपकी मदद की आवश्यकता होंगे। मित्रों, मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज आपकी यात्राएं, योजनाओं के कारण आपको अपने जीवन साथी को समय और ध्यान देना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आपके रिश्तों में थोड़ा सा तनाव आ सकता है। बेहतर होगा आप अपने परिवार और अपने समय और अपने काम को एक समय सीमा निर्धारित करें और सबके लिए बराबर समय आज अवश्य दें। मित्रों, मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज का दिन व्यवसायियों के लिए काफी सकारात्मक रहेंगे और जो लोग मजदूर वर्ग के जातक हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। आज के दिन आपको अपने काम में थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत रहेंगे, परंतु आप अपने मेहनत के बलबूते अपने समाज में अपने व्यक्तित्व को एक अलग तरीके से लोगों के बीच स्थापित करने में और निखार लाने में आपको सहायता मिलेंगे। व्यवसायिक संदर्भ में आज का दिन एक नए उद्योग के साथ शुरू हो सकता है या आप एक नए सौदे को अंतिम रूप दे सकोगे जो भविष्य में आपके लिए अति लाभदायक सिद्ध होंगे। व्यवसायिक और सामाजिक दायरे में आपका सम्मान और प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए आपका दिन अनुकूल रहेगा। पारिवारिक जीवन भी आपका आरामदायक और शांतिपूर्ण रहेगा। आपके पास नए अधिग्रहण होंगे जो आपके जीवन शैली में सुधार कर सकेंगे और आपके संतुष्टि में वृद्धि करेंगे। आपको और आपके परिवार के सदस्यों को कोई बड़ी चिंता है तो वो भी आज के दिन दूर होने वाली है। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। आज के दिन आप अपने बुद्धिमत्ता, विकास और अपने
अपने कौशल के कारण हर काम को बेहतर ढंग से पूरा कर सकोगे और प्रभावशाली वाणी होने के कारण लोगों से आप अपनी बातों को आसानी से मनवा सकोगे। आज के दिन इन कारणों से आप अपने व्यवसाय में अच्छा कर सकोगे और प्रचुर मात्रा में लाभ कमा सकोगे। आज के दिन आपको लाभ कमाने के बेहतरीन मौके मिलने वाले हैं। इन राशि वाले महिलाओं के लिए आज का दिन अन्य दिनों की अपेक्षा काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आपको अपने परिवार में इज्जत, मान मर्यादा और सम्मान की प्राप्ति होंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाने का, अवहेलना करने का या आपके मजाक उड़ाने का प्रयास किया करता था, वो भी अब बहुत मुसीबत में पड़ रहा है और उनकी मदद की आवश्यकता आपको अवश्य पड़ सकते हैं। मित्रों, मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन सुबह सुबह कोई ऐसी खुशखबरी मिलेंगे जिनको सुनने के बाद आप काफी ज्यादा प्रसन्न रहोगे और आपके सारे के सारे कार्य सही समय पर होंगे। सारे के सारे कार्य आपको उपलब्धि दिलाने में आपके काफी सहायता कर सकते हैं। मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप संतान या शिक्षा को लेकर यदि कोई प्रयास कर रहे हैं तो आपके मेहनत का फल आपको अवश्य ही मिलने वाला है। जीवन साथी या किसी पारिवारिक सदस्य के साथ आज तूतू मैं हो सकती हैं, ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखें। इन चीजों को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करने की कोशिश नहीं करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज आप में से कुछ अपनी योग्यताओं के अनुरूप पुरस्कार या तरक्की हासिल कर सकोगे। शादी, विवाह या कोई अन्य आयोजन में आप शिरकत कर सकते हैं। यदि आप फिर विदेश यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो जल्द ही आप इस दिशा में कोई बड़ा कदम, बड़ा निर्णय या बड़ी उपयोगिताओं को हासिल करने में काफी सक्षम रहेंगे। व्यावसायिक संदर्भ में आज आपके पास कई नए और काफी अच्छे अवसर होंगे। आपको अपने लक्ष्यों को आंखों से ओझल न होने दें क्योंकि आपके कर्तव्य ही, आपके लक्ष्य ही आपको प्रेरित कर रहे हैं। व्यावसायिक संदर्भ में आज के दिन संबंधों में नकारात्मक परिस्थितियों से आपको बचने होंगे। आज अपने राज को खुद तक ही सीमित रखें। जीवन साथी का स्वास्थ्य, बच्चे का स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण हो सकता है। इससे आपके बिगड़ते स्वास्थ्य आपके पारिवारिक संबंध पर आपके चिंताओं में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आप अपने घर परिवार में खाना पीना पर ध्यान दें और सारे के सारे अच्छे अच्छे प्रोटीन दायक खाना अवश्य खाएं। आज के दिन व्यवसायिक संदर्भ में अपने आप को साबित करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होंगे। वरिष्ठों को खुश करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इस अवधि के दौरान कड़ी मेहनत और विनम्र स्वभाव ही आपके सफलता की कुंजी रहेंगे। आज के दिन आप यह सुनिश्चित अवश्य करें कि आपका कोई विरोध न कर सके, अन्यथा कठिन निर्णय आपकी प्रगति को अवरुद्ध कर सकता है और आप कई प्रकार के दुविधापूर्ण स्थितियों में फंस सकते हैं। बेहतर होगा आप अपने प्रयासों को लगातार बनाए रखने की कोशिश करें। मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन अविवाहित युवकों को विवाह के अच्छे और काफी सकारात्मक रिश्ते प्राप्त हो सकते हैं। आज के दिन बेरोजगार युवकों को रोजगार की प्राप्ति होंगे। जो लोग काफी लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे थे, उन लोगों को रोजगार की प्राप्ति अवश्य होंगे। आज के दिन जीवन साथी के गैर जिम्मेदार व्यवहार के चलते पारिवारिक जीवन आपका अशांतिपूर्ण हो सकता है, ऐसे में आपको थोड़ा सा धैर्य रखने होंगे। मित्रों, मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि अगर आपके जीवन में, दैनिक दिनचर्या में, परिवार में या फिर आपको किसी भी प्रकार की व्यापार, करियर या आपके दैनिक जीवन से लेकर किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, आप किसी भी अड़चनों का, बाधाओं का सामना कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें ताकि हम आपको सटीक जानकारियां दे सकें और आप उन सभी परेशानियों से, अड़चनों से, समस्याओं से छुटकारा पा सको जो आए दिन आपको परेशान किया करते हैं। ऐसे में आप कमेंट बॉक्स में अपनी सारी समस्याओं को अवश्य लिखें। आज के दिन भाई
भाई बहनों के साथ तर्क आपको उदास कर सकता है। ऐसे में आप असहाय महसूस कर सकते हैं और आपको कई प्रकार की चिंताएं भी रह सकती हैं। परंतु मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि व्यापारिक और व्यवसायिक क्षेत्र में आप अपने अधिकारियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त करोगे और आपकी आर्थिक प्रगति होंगे। आप अत्यधिक लोकप्रिय रहेंगे और आपके परिवार के सदस्य आपको पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। आप आत्मविश्वास से भरपूर होंगे। आप एक नए सौदे को अंतिम रूप देकर या एक नए व्यवसाय में शामिल होकर व्यापार में एक बड़ी छलांग लगा सकते हैं। प्रेम संबंधों के संदर्भ में आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेंगे। जल्दबाजी में किसी भी कार्य को न करें। आज के दिन व्यवसायिक रूप से आपका शुभ है। पदोन्नति या व्यवसायिक बेहतरी का प्रबल योग है। लंबे समय से आपके पोषित सपने एवं परियोजनाओं पर काम करने के आपको बेहतरीन अवसर मिलेंगे। व्यवसायिक गतिविधियों में तेजी से वृद्धि होंगे। आर्थिक रूप से आप बहुत ही अच्छा करेंगे और एक पुराना ऋण भी वसूल कर सकोगे। आप अपने भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी करेंगे। आपका दिन बेहतर बने, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय